subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट, तो देखो आरएलसी सर्किट में हमने देखा था कि उसका एक नेट इम्पीडेंस होता था, जेड से डिनोट करते थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है। इट इज द फिनोमेना व्हेन इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज मिनिमम एंड करंट बिकम्स मैक्सिमम। तो इसमें क्या होता है, एलसीआर सर्किट के अंदर जब उसका जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाए और तो करंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इन सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम इसको एसेप्टर सर्किट भी बोल देते हैं और एडमिटर सर्किट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो तो इसमें हम बोल रहे हैं कि इम्पीडेंस मिनिमम हो जाए। तो एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस हमने देखा था क्या होता है, जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर प्लस आर स्केयर, यही होता है ना इम्पीडेंस। तो ये मिनिमम कब होगा, अगर देखो XL और XC इक्वल हो जाए, अगर XL XC इक्वल हो जाए, देखो एट XL इक्वल टू XC क्या होगा, Z इक्वल टू अंडर रूट, अगर ये इक्वल हो जाए तो क्या होगा, देखो XL इसको भी मैं XL पुट कर दूं XC को भी, तो अंडर रूट का स्केयर प्लस R का स्केयर, XL में से XL माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो का स्केयर भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ क्या बचेगा, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्केयर, और अंडर रूट से स्केयर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट जो इम्पीडेंस बचा हुआ है वो केवल रेजिस्टेंस की वजह से बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम इम्पीडेंस है। तो इस केस में क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो जेड इक्वल टू आर ये क्या हो जाएगा, मिनिमम, एंड जो करंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम करंट हो जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस समझ में आ गई। और रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन है XL इक्वल टू XC, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब हम एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो देखो वो क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है, जिस फ्रीक्वेंसी पे XL और XC इक्वल हो जाते हैं, रेजोनेंस का फिनोमेना होता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे हम। तो देखो रेजोनेंस की कंडीशन लिख लेते हैं सबसे पहले। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, XL इक्वल टू XC। ठीक है, ये कंडीशन है रेजोनेंस की। अब XL की वैल्यू क्या होती है, देखो ओमेगा L हमने पढ़ी हुई है इंडक्टिव रिएक्टेंस की, और XC क्या होता है, 1 बाय ओमेगा C। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू L, ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो 1 बाय ये क्या 2 पाई न्यू इंटू C ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस L को हम यहाँ ले आते हैं, तो 2 पाई न्यू इक्वल टू 1 बाय 2 पाई न्यू और L और C ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए है, तो क्या करेंगे, इसको इस टर्म को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई से पाई और न्यू से न्यू हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होकर देखो क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एल सी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए है, तो 4 पाई स्क्वायर भी हमें नीचे लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 पाई स्क्वायर और एल और सी। ठीक है, ये स्क्वायर है ये। अब देखो स्केयर हटाने के लिए क्या करते हैं, स्केयर रूट बोथ साइड लेना पड़ेगा, तो न्यूज का स्केयर जो हम स्केयर रूट लेंगे, स्केयर रूट लेकर देख लेते हैं, ऐसे स्केयर रूट हो जाएगा और 1 बाय 4 पाई स्केयर एल सी, इसका भी क्या हो जाएगा, स्केयर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो न्यू स्केयर का अंडर रूट, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा न्यू इक्वल टू 1 बाय 4 का क्या हो जाएगा 2, और पाई स्केयर का क्या हो गया पाई। ठीक है, और एल सी का अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ गई हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
क्लियर है ये। तो अब हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस कर्व, रेजोनेंस कर्व। इसमें हम क्या शो करेंगे कि जब आर हमारा मिनिमम होगा, इम्पीडेंस मिनिमम होगा, तो करंट हमारा मैक्सिमम होगा। तो ये ग्राफ हम बना रहे हैं, इस ग्राफ में देखो यहाँ पे नीचे ली है हमने फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लेनी है फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे हम ले रहे हैं करंट आर, ठीक है। तो देखो इस टाइप से ये कर्व होगा, यहाँ पे मैक्सिमम करंट हो जाएगा और दोबारा फिर क्या होगा मिनिमम। तो देखो जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हुआ है कि हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है और इम्पीडेंस हमारा मिनिमम, तो वो क्या है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी होगी वो होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारा रेजोनेंस कर्व है। स्टार्टिंग में क्या है फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पे क्या है करंट हमारा बहुत कम है, धीरे 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 क्या है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, करंट भी हमारा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब ओमेगा एल और ओमेगा सी क्या सॉरी एक्स एल और एक्स सी क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए, तो उस पर्टिकुलर पे क्या हुआ हमारा जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो गया और जो करंट है वो क्या आ गया मैक्सिमम करंट आ गया हमारा इस वैल्यू पे। और फिर दोबारा से क्या हो गया जो ये करंट है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से जब हम अदर फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे। तो ठीक है, ये रेजोनेंस कर्व है, रेजोनेंस का फिनोमेना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं इसको। देखो रेजोनेंस क्या था कि जिस कंडीशन पे जो इम्पीडेंस है एलसीआर सर्किट का वो मिनिमम हो जाए और करंट क्या है मैक्सिमम हो जाए उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। और इसका सेकंड नेम है एफेक्टर सर्किट या एडमिटर सर्किट। तो इसको इम्पीडेंस को मिनिमम दिखाने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया था जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो ये मिनिमम कब होगा जब एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाए, यानी इसको हमने एक्सएल पुट कर दिया तो जीरो होगा, जीरो का स्क्वायर क्या आ गया जीरो। तो हमारा जो जेड है वो आर के इक्वल आ गया यानी मिनिमम इम्पीडेंस आ गया, तो करंट क्या हो गया मैक्सिमम। इसमें करंट की वैल्यू भी लिख सकते हैं कि जो करंट है वो हमारा हो जाएगा ई बाय आर या वी बाय आर, ये हमारा मैक्सिमम करंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने की थी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा रेजोनेंस होता है वो होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक्स और एक्ससी कंडीशन हमने यूज की थी, रेजोनेंस कंडीशन है ये, इसकी वैल्यू पुट की थी ओमेगा एल, ये हो जाएगा वन बाय ओमेगा सी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे या डब्ल्यू की वैल्यू पुट, इसकी ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं टू पाई न्यू और इसकी टू पाई न्यू। तो देखो यहाँ पे ये जो न्यू है हमने इसको इसे मल्टीप्लाई किया टू पाई को इससे मल्टीप्लाई कर दिया फोर पाई स्केयर न्यू स्केयर वन बाय एल सी। अब हमें तो न्यू की वैल्यू चाहिए, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी यहीं रखेंगे और फोर पाई स्केयर को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद ये हमने न्यू स्केयर इक्वल टू वन बाय फोर पाई स्केयर एल सी, ये हमारा आ गया था। अब स्केयर रूट बोथ साइड लेंगे क्योंकि हमें स्केयर फ्रीक्वेंसी हमें तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए स्केयर में नहीं चाहिए, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो न्यू आ गया वन बाय टू पाई अंडर रूट एल सी, ये आ गई हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस कर्व आपने देख लिया है करंट और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है। तो स्टार्टिंग में करंट जो है इंक्रीज हो रहा है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है मैक्सिमम करंट हो जाता है। तो ये है हमारी यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट हो जाता है फिर दोबारा से डिक्रीज। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। तो ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो, प्रैक्टिस करो और इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस।